तो रहा हूँ, जाके पढ़ना शुरू करना है। तुम जाके तुम्हें कोई नहीं पढ़ना पढ़ना है, जाके नहीं मैंने पढ़ना है, बहुत काम हो गया इसका, मुझे पहले ही नहीं स्टैट आती है। एक दिया 30 लड़ना है, एक दिया 49 ते एक दिया 15। मेरे को नहीं याद होता मैं थीटी है, एक मेरे को रटे नहीं लगते। ना शरारतां करे बंदा, मैं रटे नहीं मारदी भाई। चल जा, अच्छा जा 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 दो रोल है कि हम इन्हें किन पर्सपेक्टिव के लिए यूज करते हैं, दो लर्निंग पर्सपेक्टिव से और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। ठीक हो गया, अब लर्निंग पर्सपेक्टिव से सिमुलेशन की जो आउटकम्स आएगी वो डिफरेंट होगी, यानी कि अनसर्टेनिटी का फैक्टर्स आ सकता है। अनसर्टेनिटी किसे कहते हैं, यानी कि हमें उसमें डाउट हो सकता है कि हमारा रिजल्ट सही है कि नहीं, गैर यकीनी ताकत। लर्निंग लर्निंग में अच्छा। लर्निंग में डिफरेंट आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में डिफरेंट आएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग में अनसर्टेनिटी नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए रिक्वायरमेंट है कि अनसर्टेनिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लर्निंग के लिए हो सकती है। लेकिन ताशिफ ने इस पे सवाल किया था कि सर इस तरह तो जो एरोप्लेन सीखते हैं अगर उसमें अनसर्टेनिटी हो तो वो तो फिर कितने मार मुड़ देंगे ना। सर ने कहा बिल्कुल आपका सवाल सही, लेकिन इसमें फिर और आगे डीपली आते हैं कि जो अगर लर्निंग पर्सपेक्टिव से आपने सिमुलेटर बनाना है फिर उसकी डेवलपमेंट की स्टेजेस और होती है, वो साथ साथ फेज बाय फेज डेवलप करते हैं और टेस्टिंग करते रहते हैं, फेज बाय फेज डेवलप करते हैं टेस्टिंग करते हैं, फिर रियल एनवायरनमेंट, वो फिर डिफरेंट कंडीशन आती है उसके ऊपर। मेरी मेरी तैयारी होगी, मेरे को टाइम लाना पड़ेगा, इतना रियल वाइज हो जाएगा। अच्छा जी, अब ऐसे प्लास ला के दूं, प्लास से दबा के निकाल दिए कर सारे सारे वो पे निशान डाले गए। मैंने नहीं डाले, कुछ गलत है वो इसी तरह करने से डलते हैं, मतलब डलते हैं ना कुछ नई जगह पे निशान। उनते तो कट गए पहले बहुत ज्यादा, वो इंजन करके निकाल दिया सारे। डॉक्टर पास जाना, घर जाना यार, दायरा पे कब जाना। सिमुलेशन सिमुलेशन इज डेफिनेशन है फिर ये वो। सिमुलेशन इज ट्रांसफरिंग द वे रिसर्चर्स थिंक एंड एक्सप्लोर एंड द वे ऑल ऑफ अस लिव। सिमुलेशन की ये डेफिनेशन है। ओए चुप करो। सिमुलेशन इज नाउ कंसिडर्ड अ थर्ड एंड एक्सट्रीमली यूजफुल एवेन्यू ऑफ साइंटिफिक परसूड अलोंग विद थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट। अब वही दो चीजें हैं कि सिमुलेशन को हम यूज किस लिए करते हैं, साइंटिफिक यानी कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी यूज करते हैं, थ्योरी के लिए भी, एक्सपेरिमेंट के लिए। थ्योरी के लिए क्या, लर्निंग पर्सपेक्टिव से, एक्सपेरिमेंट के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, टुगेदर इनसाइट के लिए सिमुलेशन हम यूज करते हैं। गैदर इनसाइट क्या है, इन डेप्थ स्टडी, वही लर्निंग के लिए। वैलिडेट मॉडल्स, मॉडल्स को वैलिडेशन चेक करने के लिए हम सिमुलेशन यूज करते हैं कि जो हमने मॉडल बनाया उसको वैलिडेट करते हैं, फिर हम मॉडल का रिजल्ट उसका रिजल्ट कंपेयर करते हैं कि हाँ अभी ये ठीक है कि नहीं। चुप कर, एहसान बकवास कर रहे हैं, की कह रहे हैं। अच्छा, ट्रेन ह्यूमंस, ह्यूमन ट्रेन स्पोर्ट्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए ये सारे डिफरेंट उसने एप्लीकेशन दी थी कि कहाँ कहाँ पे हम सिमुलेशन यूज करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब सिमुलेशन हैज अ स्पेक्ट्रम ऑफ यूज। स्पेक्ट्रम इसमें क्या है, स्पेक्ट्रम रेंजेस है कि लिमिट मिनिमम से मैक्सिमम। हैज अ स्पेक्ट्रम ऑफ यूजर्स बाय रेंजिंग फ्रॉम सिमुलेशन की रेंज कहाँ से कहाँ तक, प्रॉब्लम सॉल्विंग से लेके इनसाइड गैदरिंग यानी कि लर्निंग पर्सपेक्टिव तक। ठीक है, इसकी इसका जो स्पेक्ट्रम है, अंडर कंडीशन ऑफ हाई अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का फैक्टर आ गया कि अनसर्टेनिटी दो, वो तुझे आगे डिस्कस कर लिया। पॉइंट्स अलोंग द स्पेक्ट्रम आर डिफाइंड बाय के, अब ना इसमें भी हम डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन ही करते हैं, जैसे पार्टिव एनालिसिस, हाउ मच इनसाइड गैदरिंग इज अकरिंग एंड के इस सिमुलेशन में कितनी इनसाइड गैदरिंग हमने करनी है, हाउ मच अनसर्टेनिटी देयर इज के इसमें अब इस सिमुलेशन में अनसर्टेनिटी कितनी आई है, हो सकती है। सिमुलेशन के रिलेटेड हम डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिनोमिना बींग सिमुलेटेड के, जिस फिनोमिना को प्रॉब्लम को हम सिमुलेट कर रहे हैं उसको अंडरस्टैंड कितना करना है। अब वो आ गया प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। वो कहता है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग में अनसर्टेनिटी नहीं ना आनी चाहिए, तो जो यूजर्स होते हैं ना सिमुलेटर्स को यूज करने वाले वो इसको ज्यूम कर लेते हैं कि ये सिमुलेटर बिल्कुल ट्रस्टेड सिमुलेटर है, किसमें अनसर्टेनिटी कोई नहीं। यही चीज उसने बताई है, एट द प्रॉब्लम एंड ऑफ स्पेक्ट्रम द सिमुलेशन इज अ ट्रस्टेड टूल। ठीक हो गया, सिमुलेशन ये हो गया उसके लिए। अब आ गया गैदरिंग इनसाइट और लर्निंग एस्पेक्ट। मैं दस दिता पहले, मैं भी सर वाला काम किया, अंत पहले
लेक्चर का पूरा ओवरव्यू दे के आ गए। चैप्टर 2 से शुरू होकर सर ने पहले सारी लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग किए और यहां सर की पहली स्लाइड है, यहां सर की पहली स्लाइड है, पहले हमने सारी एंड वाली बताई। मैंने उसको 5 मिनट में बता दिया सारा, फोटो सेंड कर दूं सारा। अच्छा ये तस्वीर है, मलिक एक मिनट मेनू भी भेज दी। ए पढ़ ਇਹਦਾ ਨਾ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਟੂ ਕਾਹ ਤੇ ਕਰਾਣਾ ਯਾਰ, ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਨਾ ਕਰਾ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਦੇ ਪੀਡੀਐਫ ਤੇ ਕਾਹ ਕਾਹ ਓਏ ਉਹ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲੈਣੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਬਣਾ ਦੇ ਸਾਰਾ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਉਸਕੇ ਨੋਟਸ ਹੈ ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸ ਕੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆ ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸ ਕੇ ਕਰਾ ਲੈਕਚਰ 3 ਲੈਕਚਰ 4 ਲੈਕਚਰ 5 ਅਲੀਆ ਕਰ ਲਿਆ ਫੋਟੋ ਫੋਟੋ ਲੈਕਚਰ ਫੋਟੋ ਇੱਦੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਟਿਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਯਾਸ਼ੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰਾ ਪੜੇਗੀ। ਪੋਤੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਪੋਤੇ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਚੈਪਟਰ 2 ਹੈ, ਫੋਟੋਜ਼ ਵੀ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਚੈਪਟਰ 3 ਹੈ, ਇਹ 3 ਪੇਜੀ ਕੋਡ ਹੈ। ਓਏ ਹਮਜ਼ਾ ਤਾਸ਼ੀ ਚਲੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਫੋਲੋ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਹਮਜ਼ਾ ਤਾਸ਼ੀ ਚਲੇ ਗਏ? ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਏ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਇਹ ਔਰ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਭਾਈ। ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਮੇ ਹੈ ਕੈਮ ਸਕੈਨਰ? ਨਹੀਂ ਕੈਮ ਸਕੈਨਰ ਕਰ ਲਾਂ ਸਾਥ ਸੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ? ਕੈਮ ਸਕੈਨਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮੇ ਕੈਮ ਸਕੈਨਰ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਐਕਸਪਲਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆਏ? ਐਕਸਪਲਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਐਕਸਪਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਓਏ ਉਸ ਕੋ ਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਯਾਰ, ਲੈਬ ਬਦਲ ਲਈਏ ਯਾਰ। ਆਪ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੈਬ ਮੇ ਨਹੀਂ ਜਾਤੇ ਸਾਰੇ? ਓਕੇ ਓਏ ਹਨੀ ਓਏ ਲੈਬ ਚ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਲੈਬ 2 ਚ ਚੱਲ ਜਾ ਯਾਰ। 90 ਸਾਲ ਲੈਬ 1 ਚ ਸੌਰੀ ਤੇ ਮਾਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ। सिमुलेशन जो है, सिमुलेटर जो है, उसमें अनसर्टेनिटी का बता रहा है कि वो इनकम्प्लीट भी हो सकता है मॉडल या उसकी एंड पॉसिबल इनकरेक्ट मॉडल, यहाँ तो वो इनकरेक्ट भी हो सकता है। किसके रिलेटेड फिनोमिना डेट इज बीइंग स्टडीड, जिस फिनोमिना के लिए, जिस एरिया के लिए हमने उसे बनाया ना, यहाँ तो वो अनसर्टेनिटी उसमें इसलिए ऐसे हो सकती है कि वो इनकम्प्लीट हो सकता है या इनकरेक्ट हो सकता है। ठीक है, क्यों? बिकॉज क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट द फिनोमिना बीइंग सिमुलेटेड मे बी लैकिंग, कि आपने इसमें डीप लर्निंग करनी है तो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हो सकता है उसकी कमी हो सकती है। ठीक है, वो है ही नहीं। द सिमुलेशन इज नॉट अज्यूम टू बी अ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट, तो सिमुलेशन फिर हम ये उसकी प्रॉपर, मैं तेरे जुत्ती मार देनी है साले यार। तुम लोग लैब यार हनी नहीं जाना तो ऐसी चल जी है, यकीन कर ऐसी गंदी गाल कटन लगा सी ना मैं, ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਘੱਟ ਵਾਹ। ਚਲੋ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਯਹੀ ਬਤਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਉਸਕੀ ਸਮਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਵ ਲਿਟਲ ਟੂ ਨੋ ਅਨਸਰਟੇਨਿਟੀ ਅਸੋਸੀਏਟਿਡ ਵਿਦ ਦੈਮ, ਵਾਈਲ ਇਨਸਾਈਡ ਗੈਦਰਿੰਗ ਮੇ ਹੈਵ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਡੀਲ ਆਫ ਅਨਸਰਟੇਨਿਟੀ। ਜੋ ਇਨਸਾਈਡ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ, इसमें उसने कहा कि हो सकती है अनसर्टेनिटी हो, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसमें तो हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी, लर्निंग में तो हमें फिर कहते अच्छा यार यहाँ से गलत पढ़ लिया किसी और से पढ़ लो। ये था, अब इसी चीज को वो आगे ना एक्सप्लेन करने लगा है। यूजर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैं कुंडी लाल के आया था अगर आसान तो बहुत ही है। मैं तो कभी हिसाब लाया कि रिहान साहब भी चंगी भली छड़ दे है ना, ਪਰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਆਪ ਉਹ ਕਹਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਜਨਰਲੀ ਟਰਸਟ ਦੈਮ ਐਂਡ ਡੋਂਟ ਫੀਲ ਅ ਨੀਡ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦੈਮ ਐਂਡ ਮੇ ਸਟੇ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਫੋਰ ਈਅਰਸ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਬਾਈ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਟਰਸਟਡ ਟੂਲ ਹੈ। ਓਕੇ, ਵਾਈਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਇਨਸਾਈਡ ਗੈਦਰਸ ਸੀ ਦੇਅਰ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਅਰ ਦਾ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਇਟਸੈਲਫ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਅਡਾਪਟਡ to meet new requirements as insight is gained from previous incurrent uses of simulation.
सिंपल इसमें वही कह रहा है कि अगर इनसाइड गैदरिंग है ना, चूंकि उन्होंने ये सोचा होता है कि ये लर्निंग प्रोसेस के लिए हमारा, तो वो क्या करते हैं सिमुलेशन इटसेल्फ विल हैव टू बी अडॉप्टेड, उन्होंने सिमुलेशन को अडॉप्ट करना टू मीट न्यू रिक्वायरमेंट्स एज इनसाइट इज गेन्ड फ्रॉम प्रीवियस इनकार्नेशन, कि जो उन्हें प्रीवियस से मिला है ना, उन्होंने कहना अच्छा यार ये लर्निंग पर्पज के लिए था तो हम किसी और से ट्राई कर लेते न्यू रिक्वायरमेंट के साथ, ये इनका काम बस। सिमुलेशन यूज फॉर इनसाइट गैदरिंग मे अल्टीमेटली बी थ्रोन अवे वंस इट यूजर डिसाइड्स All the useful insight to be gained has been learned. के जब उसने learn कर लिया तो कहते हैं मैं अभी इसे discard करूँ। हाँ नहीं चाहिए। ठीक हो गया। तो जब एक चीज को समझ लग गई है कहता है मेरा काम मुकम्मल हो गया मैं इसे अब discard कर रहा हूँ। हाँ। देर हो गया। अब वो आगे इधर हमें बताने लगा कि using simulation to problem solve. In a problem solving, a simulation is considered to be valid for the context in which it is being applied. जिसके लिए बना है उसके लिए वो suppose कर वो उन्हें कहना भाई जी ये valid ही है ठीक है सिमुलेशन यूज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग जनरली हैज पैरामीटर्स एसोसिएटेड, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सिमुलेशन बना है उसमें पैरामीटर्स भी होते हैं ठीक है जारी बात है पैरामीटर्स होंगे ही जैसे अभी पिछली एग्जांपल है मॉडल तैयार करना तो पैरामीटर तो हमें चाहिए ठीक हो गया तो जब वो मॉडल की हमने कोड में कोडिंग करनी इंप्लीमेंट करना है उसमें भी वो पैरामीटर यूज होंगे अब वो कहता है जी पैरामीटर क्यों चाहिए टू अलाउ द यूजर टू डिफाइन सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट फॉर द सिमुलेशन ठीक हो गया कि वो किस कॉन्टेक्स्ट की सिमुलेशन करना चाहते हैं उसके पोर्शन को सिलेक्ट कर लें टू चूज इंपॉर्टेंट कंट्रोल इन द सिमुलेशन के सिमुलेशंस को कंट्रोल उन्होंने कैसे करना है इस टाइप के पैरामीटर यानी कि रियल एनवायरनमेंट को कंट्रोल कैसे करना है उसी तरह सिमुलेशन को कंट्रोल करेंगे एंड परहैप्स टू इंक्लूड डाटा दैट हेल्प टू डिफाइन द वे द सिमुलेशन शुड ऑपरेट और तीसरा पैरामीटर क्या उनको डाटा चाहिए ठीक हो गया अब वो पैरामीटर कौन ये पैरामीटर की वर्किंग थी अब वो पैरामीटर कौन कौन से हैं वो जी ये हैं सबसे पहले अब हमारे पास अब वो बताने चले हैं एक एग्जांपल लिया बैलिस्टिक सिमुलेशन बैलिस्टिक क्या है जिसमें ट्रेजेक्टरी मोशन होता है ठीक है अब बैलिस्टिक सिमुलेशन ले रहा है तो उनमें हमें पैरामीटर्स कौन कौन से चाहिए सबसे पहले हमें चाहिए कॉन्टेक्चुअल पैरामीटर कॉन्टेक्चुअल पैरामीटर क्या है जी जिसमें वेदर कंडीशन इंक्लूड हो इन्वायरमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो कि वो इन्वायरमेंट का उस पर क्या इम्पैक्ट होगा क्या असर होगा जिसमें वेदर आ सकता है पोजिशन आ सकती है प्लेटफॉर्म की 3D और टेरन विंग्स वगैरह उसके उसका आगे से वो नोज भी कह लें एयर फ्रिक्शन के लिए एक ये पैरामीटर चाहिए एक पैरामीटर चाहिए प्रोबेबिलिस्टिक प्रोसेस के लिए वो क्यों यूज टू रिप्रेजेंट कम्प्लेक्स प्रोसेस इन द फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट के उसके जो कम्प्लेक्स प्रोसेस है उनको रिप्रेजेंट करे और जो यूज बाय डिजाइनर्स एज अ वे ऑफ एड्रेसिंग एलिटरी डिपेंड ऑन चांस लक अनसर्टेनिटी इसका क्या है यूज बाय डिजाइनर्स प्रोबेबिलिस्टिक प्रोसेस चाहिए चाहिए पैरामीटर एक एक कॉन्टेक्चुअल पैरामीटर एक प्रोबेबिलिस्टिक हाँ प्रोसेस ट्रेजेक्टरी का ही कह दे कि उन्हें प्रोबेबिलिस्टिक बेसिकली नहीं नहीं सॉरी सॉरी प्रोबेबिलिटी से हाँ प्रोबेबिलिटी से है ये मैं वो ये एंड वाला ही समझी जा रहा हूँ बिलिस्टिक ये प्रोबेबिलिटी से है कि वो प्रोबेबिलिटी मेजर करते हैं प्रोबेबिलिटी क्यों मेजर करते हैं उसके कम्प्लेक्स प्रोसेस को देखने के लिए ठीक है फिर डिजाइनर्स भी प्रोबेबिलिटी मेजर करते हैं अनसर्टेनिटी को चेक करने के लिए कि हम अगर इस तरह का डिजाइन रखें एरोप्लेन ही कह दे कि विंग्स का इस तरह का डिजाइन रखें तो अनसर्टेनिटी आने के क्या चांसेस हैं क्या नहीं ठीक हो गया फिर कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है कंट्रोल इन्फॉर्मेशन में बेसिकली ना अब कॉन्टेक्चुअल पैरामीटर के अलावा बाकी जितने भी पैरामीटर है ना इनमें फिर क्वेश्चन ही चलते कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है कि पैरामीटर एक कंट्रोल इन्फॉर्मेशन भी कि हमने इन्फॉर्मेशन को कैसे कंट्रोल करना है उसमें भी हम क्वेश्चन करते हैं हाउ द बैलिस्टिक कंप्यूटेशन आर टू बी परफॉर्म्ड एंड व्हाट न्यूमेरिकल एक्यूरेसी शुड बी यूज कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है ना फिर सिमुलेशन इनपुट डाटा क्या है कि हमने मिसाइल बनाया है बैलिस्टिक मिसाइल अब उसमें डाटा क्या होगा कि हाउ ऑफन द वेपन इज फायर्ड ठीक है व्हाट इज मजल एंगल मजल जो होती है उसका आगे वाला हिस्सा गन का कह लो उसका एंगल क्या होगा ये इनपुट डाटा है उसका एंड सिमिलर पैरामीटर्स आर यूजर ऑफ द वेपन बीइंग सिमुलेटेड मे बी एबल टू सेट इस तरह के और भी पैरामीटर हैं वेपन्स के लिए हम यूज कर सकते हैं ठीक है ठीक हो गया अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सिमुलेशन के लिए क्वेश्चन नहीं है व्हाट वुड हैपन इफ व्हाट इफ एनालिसिस हाउ विल व्हाई विल क्यों करेगा कर सकता है डज शुड ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज होते हैं ठीक है अब उसने प्रॉब्लम सॉल्विंग की एग्जांपल दी है एप्लीकेशन दी है सिमुलेशन के लिए कि बैलिस्टिक है ठीक है क्वांट होस्टिंग है कमर्शियल है ये सारे उसकी एग्जांपल्स हैं अब ये बैलिस्टिक के लिए दे रहा है
کہ بیلسٹک ایگزامپل ہے اسٹڈی آف فائرنگ فلائٹ اینڈ افیکٹ آف ایمونیشن اس کی وہ اب اس میں وہ جو ڈفرینٹ قسم کے انہوں نے کوسچن کیے میں سیریسلی وہ یہ تو آپ خود سے ہی کرنے ہیں نا ٹھیک ہے یہ ایک دفعہ پڑھ لینے کہ وٹ اب وٹ ہے نا کیا تو ہم کہہ دیں گے فائر ویلوسٹی کیا ہو سکتی ہے بھائی اس بیلسٹک میزائل کی ہاؤ اس کی کہ وہ اینگل کیا ہوگا اس کا کیسا ہوگا اینگل کس ٹائپ کا ہوگا وائی اگر اس کی اتنی ویلوسٹی ہوگی تو کیوں ہوگی کین تو ہم پوچھ لیں گے اچھا بھائی یہ اتنے کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا خود سے ہی ہے نا کوسچن یہ آپ کو اس پرابلم سے ریلیٹڈ آپ کو پتا ہو کوسچنز ہمیں خود نکال لینے تاکہ ہمیں ریکوائرمنٹ کلیئر ہو پرابلم سالونگ ہے نا آپ کو ان پرابلم پتا ہوگی اس سے ریلیٹڈ کوسچن کرو گے اس کے آنسر سیمولیشن آپ کو سیمولیٹر دے گا لیکن اس طرح کے آپ کو کوسچن ان میں انویسٹ کرنے پڑتے ہیں سیمولیٹر میں تب بھی وہ آنسر دے گا شوڈ وی یوز امیونیشن وتھ سرٹن فزیکل یہ اس طرح کے ہیں ٹھیک ہے یہ ریپیٹ ہوگی کوائن ٹاسنگ ہے کیا ہم نے سیمولیٹر بنایا کوائن ٹاسنگ کا تو اب اس میں اب ہاں کوائن ٹاسنگ میں دیکھ کہ کنٹیکسچوئل پیرامیٹر دیکھ کوائن ٹاسنگ میں کیا ہو سکتا ہے کنٹیکسچوئل پیرامیٹر کہ ہوا کوئی اس کا اس کی یعنی کہ مٹیریل ایک سائڈ پہ زیادہ لگا ہو میگنیٹک افیکٹ نہ ہو ٹھیک ہے فیئر رہے ہاں فیئر ہے یہ کنٹیکسچوئل ہو گیا probabilistic process دیکھے تو اس میں کیا پیرامیٹر آ سکتا ہے کہ کتنے چانسز ہیں ہیڈ ہے کتنے چانسز ہیں ٹیل ہے مطلب فیئر ہے اس میں بھی فیئر والی بات ہاں اب اس کے لیے بھی وہ آگے کوسچن کر رہا ہے وٹ آر دا موسٹ لائکلی آؤٹ کم ہاؤ از اٹ پوسیبل ٹو آبزرو ہم کہتے ہیں جی یہ کیسے ممکن ہے کہ 500 دفعہ ہیڈ ہے اور 6 دفعہ وہ ہے ٹھیک ہے نا اس طرح کے یعنی کہ ہم نے کوسچن کرنے سمجھ لگی کلیئر ہو گیا یہ آگے اس نے کمرشل نیوکلیئر ویسٹ اسٹوریج ان یوکا ماؤنٹین یوکا ماؤنٹین ہے بیسیکلی یو ایس اے کا یہ ماؤنٹین پتہ نہیں میرے ذہن سے کنٹری نکل گئی جس طرح ہم نے ادھر کیے تھے نا اپنے وہ ایٹم بم کے دھماکے کدھر کیے تھے ہم نے جتھے بھی کیے چلی نہیں یار چاغی بلوچستان میں چاغی میں کیے تھے اس طرح یہ یوکا ماؤنٹین ہے یہ ادھر یوز ہوتا ہے تو یہ پھر دیکھ رہا ہے نیوکلیئر ویسٹ کو یوکا ماؤنٹین میں ڈسپوز کرتے ہیں تو یہ اب دیکھ رہا ہے وٹ اماؤنٹ آف رین فال وڈ ہیو ٹو اکر ٹو میک ڈینجرس اماؤنٹس آف نیوکلیئر ویسٹ مٹیریل ریچ آؤٹ آف یوکا ماؤنٹین کہ اب یوکا ماؤنٹین میں بہت ساری ویسٹ اکٹھی ہوگی تو کتنا رین فال ہمیں چاہیے کہ وہ وہاں سے ختم ہو جائے اس طرح کے یہ ڈفرینٹ اس نے دی ویلیڈیٹ میں سمجھا تھا یہ اگلے لیکچر میں بس یہ تین چار سلائڈ ہیں بعد میں پھر اس کی ایگزامپل ایگزامپل ہے اچھا اچھا فضول ہی ہے یار ویسے سلیبس پتہ نہیں وہ کیا پڑھائے گا مجھے نہیں سمجھ آ رہی پیپر کیا آئے گا کیونکہ ہم اتنی ایگزامپلیں تو نہیں یاد رکھ سکتے آپ اور جس میں میں تو اس لیے نا میں پہلے سوچا میں ریکارڈنگ کروں گا پھر میں سوچا میں نے کہا بھائی نہیں وہ تو پھر بیٹھا ہی رہنا سارا دن اچھا ویلیڈیٹ ماڈلز اینڈ ایکسپیریمنٹس اس کا کیا کیا ہے اچھا جی اب آ گیا ویلیڈیٹ ماڈلز اینڈ ایکسپیریمنٹ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے بیسیکلی اپنے ہم نے جو ماڈلز اور ایکسپیریمنٹ کیے ہیں نا ہم نے ماڈل بنائے ہیں ہم نے ایکسپیریمنٹ کیے ہیں ہم نے ان کو ویلیڈیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ریسرچرز کم اپ ود انالیٹیکل ماڈلز فار دا بیہیویئر آف فینومینا کہ ریسرچر جو ہیں وہ اپنے فینومینا آف انٹرسٹ کے لیے انالیٹیکل ماڈل لے کے آتے ہیں ساتھ
अब वो कहते हैं इफ द फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट कैन बी स्टडीड डायरेक्टली, अगर तो वो उसे डायरेक्टली सर्च कर लें यानी कि स्टडी करें, द रिसर्चर्स मे हैव गैदर्ड डाटा फ्रॉम इंस्ट्रूमेबल एक्सपेरिमेंट, तो वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके डाटा जरूर कलेक्ट कर सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि फॉर बोथ एनालिटिकल मॉडल्स एंड एक्सपेरिमेंटल डाटा, कि जो एनालिटिकल मॉडल से डाटा आ रहा है और जो एक्सपेरिमेंट से डाटा आ रहा है, द रिसर्चर मे टर्न टू सिमुलेशन, कि वो सिमुलेशन तैयार करें एज अ मेथड फॉर वैलिडेटिंग द मॉडल और डाटा, अपने मॉडल को वेरीफाई करने के लिए, एक्सपेरिमेंटल से जो डाटा आ रहा है उसको वेरीफाई करने के लिए। क्या काम है? काम वही है कि एक्सपेरिमेंट से डाटा आया, उसकी सिमुलेशन कर लिया, वैलिडेट कैसे करेंगे, सिमुलेशन से उसका रिजल्ट निकाला, उसे मैनुअली प्रैक्टिकली भी परफॉर्म कर लिया और उन्हें वैलिडेट कर लिया। ठीक है, अब सबसे पहले हम करने क्या लगे हैं, हम मॉडल को वैलिडेट करने लगे हैं, सॉरी हम सिमुलेशन को वैलिडेट करने लगे हैं एक मॉडल के साथ। ठीक है, पहली बात तो ये एक मॉडल था उसका हमने सिमुलेशन बनाया। ठीक है, अब और अब उस सिमुलेशन को अगेन एक और मॉडल से हम वैलिडेट करने लगे हैं। ये वो एग्जांपल है। अब होता क्या है कि और भी बड़े तरीके हैं ना वैलिडेट करने के लिए, कि स्टैंडर्डाइज्ड हमारे पहले से ही हमारे कैलकुलेटेड स्टैंडर्डाइज्ड रिजल्ट्स पड़े हैं, कि हमने एक का रिजल्ट निकाला उसके स्टैंडर्ड रिजल्ट पहले उनसे हम कंपेयर कर लेते हैं कितना एरर आ रहा है कितना नहीं आ रहा, ये भी तरीके हैं ना। तो अब इसी तरह एक लिटल्स लॉ मॉडल है। लिटल्स लॉ क्या बताता है कि कस्टमर राइवल सर्विस प्रोवाइडर क्यू, एक क्यू है, ठीक है, क्यू हमने पढ़ा ना कंसेप्ट, लाइन है एक। ठीक है, अब नेटवर्क की एग्जांपल ले ले, पैकेट आई जा रहे हैं आके रिसीवर साइड पे, वो क्यू में लगी जा रहे हैं। ठीक हो गया, लिटल्स लॉ क्या बताता है, एल इज इक्वल टू लैम्डा डब्ल्यू, एल क्या है हमारा क्यू की लेंथ। अच्छा, ठीक हो गया, लैम्डा हमारा क्या है जो के सर्वर उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और डब्ल्यू क्या है एवरेज वेटिंग टाइम जो कस्टमर को एवरेज ठीक है, एल क्यू की लेंथ है, सर्वर जो लैम्डा है जो उनको सर्वर वेटिंग टाइम दे रहा है, नहीं नहीं सर्वर सर्विसेज प्रोवाइड कर दे रहा है। ठीक है, और डब्ल्यू वेटिंग टाइम पैकेट को कितना वेट करना पड़ रहा है, क्यू में कितने देर रुका हुआ एवरेज वेटिंग टाइम, ये भाई लिटल्स लॉ है और ये है इस टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक हो गया, अब वो कहता है रिसर्चर में चूज टू इम्प्लीमेंट अ सिमुलेशन दैट मॉडल्स अ फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट, कि जो उसका इंटरेस्ट का फिनोमिना है ना वो कहता है कि मैं उसको सिमुलेट कर लूँ, इंप्लीमेंट कर लेता है, और फिर वो क्या कहता है एंड देन कंपेयर द रिजल्ट विद द रिजल्ट ऑफ द मॉडल गिव्स, और फिर वो उसके रिजल्ट को कंपेयर करता है इस वाले मॉडल के रिजल्ट के साथ, कर सकता है। वो कहता है इन केस ऑफ लिटल्स लॉ देयर इज फॉर्मल मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ इट्स करेक्टनेस, कि भाई लिटल्स लॉ के मैथमेटिकल प्रूफ बहुत पड़े हैं कि ये करेक्ट मॉडल है, ये कोई यानी कि स्टैंडर्डाइज एक्यूरेट है, इसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। बल्ली चोस मारती ना दो लेक्चर लवाते हैं यार, मैं आपसे तरह से नहीं तो सर नु कहना सी कि सर तुसी आज सानू पूछ के आया सर संभाल पेपर सर कने इंशाल्लाह मैं उन्हें फिक्र करा फिर यार सर ने एक रेंज में सर ने एक लेक्चर पढ़ाया सी सैंपलिंग एंड मॉडलिंग दा, सर ने बेसिक लेवल्स मार के था विच बेसिक सर ने ना एक लेक्चर पढ़ाया सी सिमुलेशन दे मॉडलिंग सैंपलिंग एंड मॉडलिंग इदा प्रोबेबिलिटी दा सैंपलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दा, उन सर ने सैंपलिंग दी लैदा स्लाइडा देतीयां डिस्ट्रीब्यूशन दी लैद देती हैं लैपटॉप से जरा स्लाइडा दे लेके आ छटना ही पैना मैं लगदा एक अद्धा सवाल बनाया ना सी ओ सारा से बड़ा था बाकी ब्रोचर बनाया के पार्ट वो भी देना तो बल्ली रिसर्च पेपर दा सवाल आना ते ओही लिखना जो आपा ओही लिखना ओही लिखना बस ऐसे करना। अच्छा एक चीज समझ लगी अब वो कह रहा है कि फॉर मोस्ट एनालिटिकल मॉडल्स नो प्रूफ ऑफ करेक्टनेस विल बी फाउंड, कि बहुत से ऐसे एनालिटिकल मॉडल हैं जिनके लिए करेक्टनेस का हमें पता ही नहीं है, एंड सिमुलेशन में बिकम द बेस्ट एवेन्यू फॉर वैलिडेटिंग दैट, लेकिन उनके लिए सिमुलेशन ऐसा बेस्ट है कि वो हम उन्हें प्रूफ कर सकते हैं वैलिड प्रूफ कर सकते हैं। ये क्या था कि हमने सिमुलेशन को प्रूफ करना है मॉडल के थ्रू। ठीक है, ठीक हो गया, अब आगे हम करने जा रहे हैं कि हमने एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करना है मॉडल सिमुलेशन के थ्रू। ठीक है, दोनों को सिमुलेशन, यहाँ पे सिमुलेशन को मॉडल के थ्रू किया, अब एक्सपेरिमेंट को सिमुलेशन के थ्रू। ये आ गया हमारा वैलिडेट एक्सपेरिमेंटल डाटा बाय सिमुलेशन, की जो एक्सपेरिमेंट करके मेरे रिजल्ट मिला है ऊपर था वो ये रह गया, ये वही है लिटल्स लॉ की, उसने डिटेल दिया मैं देख करवाता हूँ वही बात। वो कह रहा था रिसर्चर चूज टू यूज सिमुलेशन टू वैलिडेट द एनालिटिकल मॉडल, कि वो सिमुलेशन को यूज कर सकते हैं एनालिटिकल मॉडल अपना जो उसने बनाया उसको वैलिडेट करने के लिए, देन इट कुड बी डन इन अबाउट अ पेज ऑफ कोड इन अ टिपिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि वो अपना जो भी उन्होंने बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिमुलेशन टूल वो बना लेता है, द यूजर वुड सिमुलेट द अराइवल ऑफ कस्टमर, कि वो सिमुलेट करता है कस्टमर की अराइवल को, कितने
यार आधा तो वही है जो स्टैंड में पढ़ा है जी स्कोर वगैरह ये मैंने अभी ये इसकी ऑडियो भी सुनने वाली है नहीं प्रोज एंड कॉन सैंपलिंग चलो है कर लो कती सी वही जा यार सर नु कह क्या क्या सर ये यहां तक पढ़ा है 89 तो नहीं ना करनी जे वो कहे के सारी करनी का सर आज आपने लेक्चर दिया अब आपको ये हमें सिलेक्टिव बता दे एक रात हम कैसे एक दिन में तैयार करें कोई कहानी पा लिया कर जा वो इधर मैं क्यों जाऊं कौन इधर तुम ए रिकॉर्डिंग ला दी YouTube मतलब के सर के पास जा तो जी आ रहा है यार सीआर अच्छा चला आए वही बता रहा है मैं भी करते साले नाला इसलिए बैठी हूं इतने शौक है ना बहुत भूख लगी है यार कड़ी हमारे लिए आ रही है तुम कब से चेक कर रहे हो खावांगे यार खा भी जानी हूं ते पढ़ ते आ रही थी मेरी इथे नहीं घर जाके मैं रट्टा ही मारने पॉइंट नु के यार आया ते आ लिखना आया ते आ लिखना पता ते मेनू है हम सारा के लिए अच्छा जी पप्पा बिल्ली यूजिंग अ रैंडम सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अराइवल ऑफ कस्टमर ठीक है यानी कि कस्टमर की अराइवल को सिमुलेट कर सकते हैं अनदर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिटरमिनिंग टाइम डिस्ट्रीब्यूशंस के थ्रू हम कर सकते हैं ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या टाइम रिक्वायर्ड फॉर इंडिविजुअल कस्टमर टू बी सर्विस्ड बाय द सर्वर के जो सर्वर उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो टाइम और कस्टमर एंटरिंग एंड एग्जिटिंग द क्यू वो टाइम इन तीनों को मिला के उसने कहा जी लिटल्स लॉ बनता है और ये बहुत ही वेरीफाई करेक्ट मैथमेटिकली प्रूफ हुआ हुआ है बस वेरिएशन इन रिजल्ट्स ऑन गैदरिंग डेटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट कि अगर हम एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट करते हैं ना पहली बात तो ये कि हमारे रिजल्ट वेरिएशन होने ही होने चांसेस बहुत ज्यादा है उसकी वजह क्या है मेजरमेंट एरर कि जो हम इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं जिस इंस्ट्रूमेंट से उसमें मेजरमेंट एरर हो ही सकता है वर्नियर कैलिपर ही ले ले कितनी मेजरमेंट के मसले आते थे किसी में उसका डायमीटर ऊपर नीचे हल्का सा इंस्ट्रूमेंट की जगह बदल ये वो बता रहा है सिंपल वेरिएंस इन डाटा कलेक्ट करने में वेरिएशन है और पॉसिबली इनकरेक्ट सेटअप इन द एक्सपेरिमेंट देमसेल्फ कि एक्सपेरिमेंट का जो आपने सेटअप किया है ना वो भी इनकरेक्ट है वेरिएशन आ सकती है इसमें सिमुलेशन डाटा एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ फिनोमेना बीइंग स्टडी कैन बी कंस्ट्रक्टेड समझ लग गई इसकी इन ऑर्डर टू टेस्ट वेदर द कलेक्टेड डाटा मैचेस कोरेस्पोंडिंग सिमुलेटेड रिजल्ट्स विद इन एक्सेप्टेबल मार्जिन ऑफ एरर के एरर रेशियो जो हम लीडर ही दे देते हैं वो यही कह रहा है इसमें कि हम जो हमारी सिमुलेशन है ना हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारा एक्सपेक्टेड हम चाहते हैं रिजल्ट अपने इंटरेस्टेड फिनोमेना का वो उससे हम क्रिएट कर सकते हैं बोथ बस अब इसमें इसने यही बताया कि हमने एक्सपेरिमेंट किया जो सिमुलेशन है उसके साथ हमने उसको कंपेयर कर लिया ये है जी वैलिडेट एक्सपेरिमेंटल डाटा बाय सिमुलेशन बस मतलब पहले उन्होंने उसको एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट किया फिर उसी को उसने सिमुलेशन के ऊपर किया दोनों में कंपेयर कर लिया वो ठीक था तो वैलिडेट हो गया एरर मार्जिन रखना है क्यों क्योंकि उसमें वेरिएशन आ सकती है किस वजह से आ सकती है वो ये वजह ठीक हो गया अब वो बता रहा है कि बोथ मॉडल वैलिडेशन जो हमने मॉडल को वैलिडेट किया एंड एक्सपेरिमेंटल डाटा वैलिडेशन आर एड्रेस्ड विद डज द क्वेश्चन इसमें भी हम क्वेश्चन आंसर सेशन अपना कर सकते हैं वैलिडेशन के लिए डज द ट्रस्टेड सिमुलेशन मैच द एनालिटिकल मॉडल अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग का हम कर रहे हैं ना प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम क्या कहते हैं कि जो सिमुलेशन है भाई हमें यकीन है कि ये ट्रस्टेड है यूजर कहते हैं ना तो वो कहते हैं कि डज द क्वेश्चन हम एक जनरेट कर सकते हैं
کہ جو ڈز دا ٹرسٹڈ سیمولیشن میچ دا انالیٹیکل ماڈل کے جو ہم نے ماڈل تیار کیا ہے جس کو ہم نے سیمولیشن کو ٹیسٹ کرنا ہے وہ اور وہ ماڈل آپس میں میچ کرتے ہیں کہ نہیں کوسچن ہی بنانا ہے دونوں ایک ہی ڈومین سے ہیں ڈز دا ٹرسٹڈ سیمولیشن میچ دا کلیکٹڈ ڈیٹا فرام ایکسپیریمنٹ جو سیمولیشن سے ہے اور جو ایکسپیریمنٹ سے ہے وہ میچ کر رہے ہیں ڈز ہی لانا نال این ایکسیپٹیبل میچ امپلائز ویلیڈیٹی اگر تو وہ میچ کرتے ہیں تو وہ ویلڈ ہوں گے نوٹ ریسرچر آلسو یوز ڈیٹا کلیکٹڈ فرام ایکسپیریمنٹ ٹو ویلیڈیٹ سیمولیشن سمپل بات ہے کہ ہم سیمولیشن انچاس اب آگے ختم ہو گیا کام آگے اب اس نے ایگزامپل ہی دی جانی ہے اچھا اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے ابھی ہم نے کیا کیا تھا ہم نے سیمولیشن کے تھرو ایکسپیریمنٹ کو لیکن عوام نے میسج کر دیا کہ اس لیکچر اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے بلکہ تیرا چارجر ہے میرا ہے یار میرا لیٹ بند ہو گیا یہی لیکچر ہے چوبیس منٹ کی آڈیو ہے اس کی فاسٹ کر کے سنی بارہ منٹ میں ختم ہے یعنی بلکہ سننے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے ڈیٹا سائنس میں کر لیا اپلوڈ کر دیا آڈیو میں چلو کدی سن لیا سنی ہوئی مولڈنگ سیمولیشن دی اپلوڈ ہے جی ڈرائیو جی کیو نے کیتی ہوئی ہے اچھا ایک بندہ نٹ نہ تو سلو میرا چکن دیا بلی جی یار ایک وہ آن ویڈیو ہے ختم کر گئے یار لگے سے 15 سلائیڈ ہے باہر کڑی آنی ہے اوتے نظر رکھی ہے آہو تے گل ہو رہی باہر اس نے نظر رکھی ہے وہ تو پھر بھی کہہ دے تو اندر کر دے اگلے دن کمنٹ دے وچ نا انگلش لکھن لگا سر فاروق جی مان نے کہا سی رومن نے انگلش بھی لکھ دینا پوا تو میرا ایک بار موڈ بنیا سی میں انگلش بھول گیا اردو پہ مینوں نا رومبے کیوں روگزن کیوں بے مینو بھائی جی وہ موم جی انگلش بھول گئے پھر میرے ذہن چ آیا ویکس میں پہلے موم لکھن لگا سی ایم او ایم ایم او ایم او اگے میں بریکٹ چھوڑ دے اچھا ایتھے جی کیتا وا کہ سیمولیشن نو ایکسپیریمنٹل ڈیٹا نو سیمولیشن نال ویلیڈیٹ کیتا ادھر وہ کہہ رہا کہ ریسرچرز ایکسپیریمنٹل ڈیٹا کے تھرو سیمولیشن کو بھی ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں اس نے اپوزٹ کر دیا اب آگے بھائی جی ایگزامپل آگے ٹریننگ ہیومنس ہیومنس کو ٹرین کرنا یہ ہمارا لرننگ پرپز ہے کہ پرابلم سولونگ ہے دونوں ہی بنتا ہے لرننگ بھی ہے پرابلم سولونگ بھی ہے سیمولیشن از یوزڈ ایکسٹینسیولی ٹو ڈرائیو ٹریننگ ایکسرسائز جیسے کہ اب دیکھنا اس میں اب ہم کیا کیا وہ سوال دے گا یار بس یہ چیپٹر لیکچر ختم ہو گیا آگے اب یہ ایگزامپل ہی چلنی ہے سپورٹ اسٹیٹسٹک انالیسز ڈرائیور ڈرائیو کمپیوٹر اینیمیشن کی ایگزامپل کنٹرول ریئل ٹائم پروسیسز کیا کہ ساری ایگزامپل ہیں کہاں تک ایگزامپل ہے پہلی غلطی 44 تک کا بس یہ اینڈ پہ یہ ایک نئی چیز آنی ہے ایگزامپل پھر خود ہی دیکھ لواں گے جڑی چیز ہے پڑھ لیتے ہیں یہ نئی چیز ہے ٹو کائنڈز اف انسرٹینٹی انسرٹینٹی نہیں بتا سکتا یہ غیر یقینی کی تک وہ دو یہ ہم دیکھ لیتے ہیں ایگزامپل جو ہے وہ ایگزامپل بھی کر لیں یار نہ اچھا جیسے کہ سولجر ہم نے ٹرین کرنے پائلٹ آپریٹر آف ڈینجرس اکوپمنٹ ٹھیک ہے دس یوز آف سیمولیشن آلسو ریفلیکٹ پرابلم سولونگ ٹھیک ہو گیا ان دس کیس دا سیمولیشن از کنسیڈرڈ ویلڈ اینڈ دا ٹریننگ ایکسرسائز بیکمز آ کیونکہ پرابلم سالونگ ہے تو ازیوم کرنا ہے کہ بھائی یہ ٹول ویلڈ ہی ہے سیمولیشن ویلڈ ہوگی تو اب ٹریننگ ایکسرسائز ہم کیا کہہ دیں گے ہم
कैन द ट्रेनी परफॉर्म द कि जिनको हमने ट्रेन कर लेना इसके थ्रू कैन द ट्रेनी परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन फंक्शनैलिटी फिर डज द ट्रेनी नाउ हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दिस एक्टिविटी के कोई हो जाती क्रिएट तो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे ट्रेन होने के बाद इस तरह के क्वेश्चन हम करते हैं ट्रेनिंग इज वेरी सिमिलर टू वेरी डेट एक्सपेरिमेंटल डाटा कैसे एक्सपेरिमेंटल डाटा को आप वैलिडेट कर सकते हैं क्योंकि आप ट्रेनिंग सिमुलेशन नहीं है ट्रेनिंग भी तो एक्सपेरिमेंट ही है अच्छा आपको एक एक, एक एक्सपेरिमेंटल थ्योरी है तो आप उसको ट्रेनिंग के जरिए जैसे यार हम ये केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट फिजिक्स के नहीं करते ये उसी तरह की बात कर रहा है एक्सपेरिमेंटल डाटा से मतलब इसका वही है कि हमने एक्सपेरिमेंट किया जो अब वो इधर कह रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग थी अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल डाटा आ गया वो कह रहा है ट्रेनिंग जो है ना वो सिमिलर है वैलिडेट करना एक्सपेरिमेंटल डाटा को क्यों एक्सपेरिमेंट करके भी तो हम यही कहते हैं ना कैन ये हो सकता है इस एक्सपेरिमेंट से डज ये हो रहा है तो ट्रेनिंग से भी हम यही कर रहे हैं कि कैन डज सिमिलर है दोनों If we regard the trainee's responses as a data, क्योंकि trainee भी हमारे पास data ही है ना कि हमने trainee को train किया और जो result आया वो हमारा data हो गया इसलिए वो experimental data के बराबर ही है देखो मैं सारा को ना USC मंगा लूँगा सारा कितना हाँ ठीक है In both cases, the simulation is used to measure whether the data is within an acceptable margin of error. बस हमने ये देखना है कि जो हमारा data आ रहा है वो acceptable margin में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। In case of the trainee responses outside of the acceptable limits means the training has not yet. अगर वो margin से बाहर रहता तो जारी बात है training ही नहीं सही हुई। ठीक है? ठीक है। अब आ गया sport statistical analysis. Once a simulation is trusted, ठीक है, deemed valid है. It can be used to conduct experiment that yield useful statistics about possible outcome. ठीक हो गया? Statistics के लिए simulator है कि हमने possibilities निकालनी. Problem solving है ये भी. A simulation can produce different result on different executions. हाँ, वो कहता है कि simulation जो है वो different result देगा different execution. यानी कि input different होगी तो output different आएगी. Because its input parameters are changed or because it contains random process or both stochastic process उसे ही कहते हैं कि जो different conditions में different output दे ठीक हो गया वो process stochastic होता है ठीक हो गया consider as a form of problem solving status answer largely वही है problem solving भाई सवाल ही जुड़ जाने यार how can the output of interest या how can a favorable outcome can come या हम कह दें कि how can a head जो है 500 time head आ सकता है नहीं आ सकता इस तरह के क्वेश्चन ही है ना हमने करने वैलिडेशन के लिए ठीक हो गया आगे ड्राइव कंप्यूटर एनिमेशन द सिमुलेशन बिहाइंड ऑन एनिमेशन इज अ सेट ऑफ इक्वेशन दैट आर इवैल्यूएटेड न्यूमेरिकली रिपीटेडली कड़ी नहीं आई ये वो ओ यूएसबी तेरे से पूछूंगी कड़ी नहीं आई यूएसबी कब मांगे मैंने फोन नहीं देखा यूएसबी मेरे पास है ही नहीं थे कड़ी रूम होस्टल नहीं आई इसकी तो जवाब दे दे अच्छा जी पहला तेरी तो तेरे घर जानी है फिर भी खा के जानी है इसमें कुछ नहीं है सारे सारे एग्जांपल्स ही नहीं है जो तुम उसको क्या आ रहे हो पढ़ रहे हैं हम एक दफा दोनों डिस्कस कर लेते हैं अच्छा है डिस्कस करने से क्लियर हो जाता है ना वो इसको डिस्कस करेगी उसको अच्छा जी अब वो कहता है जी कि सिमुलेशन बिहाइंड किसी भी एनिमेशन के पीछे जो सिमुलेशन हो रही है वो बेसिकली इक्वेशंस के सेट ही होते हैं जो हम न्यूमेरिकली देते हैं और रिपीटेडली वो जो है इवैल्यूएट हो रहे होते हैं अब उस इक्वेशन में पैरामीटर्स आर ऑफन ड्राइव फ्रॉम सिमुलेशन पैरामीटर्स और स्क्रिप्ट्स मीन टू डिटरमाइन व्हाट द एनिमेशन डज सिंपल कि एनिमेशन करेगी क्या इन दिस केस द प्रॉब्लम इज सॉल्वड व्हाट वुड द एनिमेटेड एंटिटी लुक लाइक वो किस तरह की होगी व्हेन सिमुलेटेड यूजिंग द इनपुट पैरामीटर मीन टू डिटरमाइन बिहेवियर सिंपल वही है आगे है जी कंट्रोल रियल टाइम प्रोसेसेस कि हमने रियल टाइम प्रोसेसेस को यूज करना है अब इसमें ये किस तरह वो यूज होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इसकी मुझे एग्जांपल याद आ गई दो इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट जब मिलते हैं आपस में तो उनकी क्वालिटीज भी मिल जाती है जब क्वालिटीज मिलती है तो उससे जो नई प्रोडक्ट बनती है ना उसे हम कहते हैं सिनर्जिस्टिक मीटिंग ऑयल ड्रिलिंग की एग्जाम्पल दी थी ऑयल ड्रिलिंग की एग्जाम्पल उसने कहा जी सिमुलेशन इज यूज्ड इन कंजक्शन विद अ रियल टाइम प्रोसेस टू प्रिडिक्ट प्रिडिक्शंस के लिए यूज करते हैं सर एग्जांपल ये देती फॉर एग्जांपल एक ऐसा एक ऐसे हम पॉइंट पे पहुंचे थे जिसको हम ऑयल ड्रिलिंग नहीं कर सकते तो वो उसको सिमुलेट करते हैं देखने के लिए
बेसिकली पता क्या है, पहले जब ये ऑयल ड्रिलिंग करते है ना, नहीं नहीं वो सही कह रही है यहाँ पे भाई जी ऑयल हमें मिल रहा है, ठीक है। वो मिट्टी के कुछ पार्टिकल्स को, मिट्टी के सैंपल लेते हैं, उस सैंपल को लेबोरेटरी में भेजते हैं, लेबोरेटरी में जाके टेस्ट करते हैं और वो कहते हैं नहीं जी इस सैंपल में मिट्टी के ऑयल होने की वजूहत है ही नहीं, बंद करके दोबारा। उसके लिए वो कहते हैं जी अब ये जो कंट्रोल रियल टाइम प्रोसेस है उसमें सिमुलेशन मॉडलिंग कैसे यूज होती है, सिनर्जिस्टिक मेटिंग के थ्रू, कि आधा हिस्सा मैन्युअली भी आधा दो डिफरेंट प्रोसेस में इंडिपेंडेंट हो जाएंगे मिल जाते हैं। कैसे के खुदाई कर रहे थे वो वहां पे खुद ही एक लेवल पे जाके सैंपल ले लेते हैं, सैंपल को वो सिमुलेटर में भेज देते हैं, मशीन ही कर रही है ऑटोमेटिकली खुद ही मशीन, उधर वो चेक करते हैं पार्टिकल्स में, हाँ भी इधर है वजूहत, अगर तो है तो वो आगे फर्दर खुदाई करते, नहीं तो वो कहते नहीं भी रिजेक्टेड। ये इसका पूरा काम है। अपनी गली देखी है, कड़ी आ रही है भाई, वो हॉस्टल के लिए आ रही है, कड़ी आ रही है, मैं की करा फिर थोड़ी ऐसी थी ऐसी नहीं मेरी भी ऐसी थी ऐसी मैं बोधी पे रही मतलब ना होए चार बंदे हां इसमें नहीं उन्होंने कहा इतने मोती मंगा ले यार कितनी देर में आ रही है ये पूछ रही है अपन को, एक आधा घंटा लग जाना यार सर पे ना सवार की कर चीज पैकेट ट्रेसर नहीं आएगा क्या होगा पैकेट ट्रेसर पेपर में भी नहीं है तुझे पता है पैकेट ट्रेसर का पेपर में क्वेश्चन दिया ही नहीं जा सकता क्या देंगे पैकेट ट्रेसर उसने कहा तुझे ऑडियो में उसने कहा मैं सवाल इस टाइप का दूंगा कि आप वो कर लोगे यार बहुत छोड़ हां ताशी अगर तो हुई तो कहना वरना ना तंग करना कैसे हम अल्टर करें उसके वो अच्छी तरह वर्किंग करें सिमुलेशन में हम देखते हैं आगे सिनर्जिस्टिक मीटिंग करवा दिया था मैंने यो जो कराया था ना सिमुलेशन कंट्रोल्स द रियल टाइम प्रोसेस एंड द रियल टाइम प्रोसेस प्रोवाइड अ डेटा बैक टू द सिमुलेशन सो दैट इट कैन बी बेटर परफॉर्म तुमने जाके पढ़ना इट्स एनालिसिस एंड कंट्रोल फंक्शन ये कोई एग्जांपल नहीं होगी अपने लिए सिमुलेशन कंट्रोल द रियल टाइम प्रोसेस ठीक है और फिर रियल टाइम प्रोसेस को ही डेटा वापस देता है ठीक है यार लेक्चर 3 सारा करना लेक्चर 3 15 स्लाइड है 15 स्लाइड है कौन रिजर्व और से लाइब्रेरी बैठा हूँ ऐसा ऐसा बोल रहा हिंदू की मैं ऐसा बोल रहा थी ऐसा उर्दू बोल रहा थी बस कौन एलिजेब अच्छा इन दिस सिनेरियो सिमुलेशन इज एड्रेसिंग अच्छा मैंने वही तक नहीं समझ ये एड्रेसिंग की दो बारह लोग कहना व्हाट वुड हैपन इफ दिस के की होएगा जे आ कम व्हाट इफ एनालिसिस ही है भाई जी यार कमल के साथ लगा। तो मेरी सहेली है
ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਵੀ ਮਗਾ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਫਟਰ ਆਨਸਰਿੰਗ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਿਊ ਕੰਟਰੋਲ ਇਨਪੁਟ ਟੂ ਦਾ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਟ ਵੁੱਡ ਹੈਪਨ ਇਫ ਦਾ ਦਿਸ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਆਨਸਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਨਪੁਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਆਨਸਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਇਨਪੁਟ ਬਣ ਗਈ ਪ੍ਰੀਡਿਕਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਊਟਕਮਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਆਪ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕੋਲ 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 ਦੂਸਰਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵਲੀ ਇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਐਕੂਰੇਟ ਆਊਟਕਮਸ ਹੈ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵਲੀ ਇਨ ਵੈਦਰ ਮੋਡਲਿੰਗ ਐਂਡ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਜੈਸੇ ਕਿ ਹਮਨੇ ਵੈਦਰ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕੇ ਲੀਏ ਹਮਨੇ ਕੋਈ ਮੋਡਲ ਤਿਆਰ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਯੇ ਉਸਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਪ੍ਰੀਡਿਕਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਊਟਕਮਸ ਇਨਸੈਂਬਲ ਮੋਡਲਿੰਗ ਕਿਸੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਨਸੈਂਬਲ ਮੋਡਲਿੰਗ ਵੈਦਰ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਜਨਰਲੀ ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਐਜ਼ ਚੌਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਲਾਰਜ ਚੇਂਜਸ ਇਨ ਅ ਵੈਦਰ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕੈਨ ਅਕਰ ਵਿਦ ਅ ਸਮਾਲ ਪਰਟਰਬੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇਨਪੁਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖ ਲੋਕ ਲਈ ਇਨਸੈਂਬਲ ਕਾ ਸਨੇਪ ਆਇਆ ਥਾ ਯੇ ਦੇਖੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਭੀ ਆਇਆ ਇਨਸੈਂਬਲ ਮੋਡਲਿੰਗ ਫਿਰ ਆਇਆ ਪੜ੍ਹ ਲੀਜੀਏ ਆਗੇ ਜਾ ਵਾਂਸ ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਐਂਡ ਅਪਰੋਚ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਇਸ
पॉसिबल आउटकम्स निकालेंगे. वंस द स्टैटिस्टिकल डाटा इज कलेक्टेड देर आर मेथड फॉर फॉर्मुलेटिंग अ प्रेडिक्शन विद रीजनेबल कॉन्फिडेंस. कि जैसे जैसे आप स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट कर लोगे फिर मेथड है प्रिडिक्शन करने के लिए. यूजिंग मॉडल टू प्रिडिक्ट इज एन अटेम्प्ट टू आंसर. कि ये कोशिश होगी आंसर करने के लिए और प्रिडिक्शन फिर क्वेश्चन सही. व्हाट वुड हैपन इफ दिस वेयर द इफ पार्ट ये थे वो की होएगा जी इदा करिए इदा व्हाट हैपन टू दिस. टेस्ट एंड वैल्यूएट न्यू सिस्टम. किसी न्यू सिस्टम को वैल्यूएट करना है टेस्ट करना है उसके लिए भी हम सिमुलेशन यूज कर सकते हैं. तेरे मुंह थोकते नहीं आई नहीं और थोड़ी दे दे यार क्यों और फोन साफ करना. अच्छा एक दफा सिमुलेशन कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड इनपुट्स टू एक्चुअल प्रोसेस फॉर द पर्पस ऑफ टेस्टिंग देम. किसी भी नया निकालो थोड़ा बाल चमक जाएगा. मोट वगैरह भी इतनी साफ करना चमका देना है. क्या 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 कमोड कमोड ऐ देख रहे हो जा परे हो कमोट 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 यार अपलोड कर दिया इसे ट्रिम कर लेगा अपनी. मैं कोई ट्रिम ट्रिम नहीं करती. खैर यार साडा की है साडू मेरा. अच्छा ऐ भाई जी टेस्ट एंड वैल्यूएट न्यू सिस्टम तेनु पता ही है दा न्यू सिस्टम नु करना रियल एनवायरनमेंट वैलिडेशन चेकिंग सपोर्ट व्हाट इफ एनालिसिस. के भाई जी व्हाट इफ एनालिसिस नु सपोर्ट करदा वो कहंदा एक फिजिकल सिस्टम नु तुसी कंसीडर करो ते एक्सप्लोर करो. बाद दे विच अ टिपिकल एवेन्यू ऑफ अप्रोच इज टू स्टार्ट पुशिंग बटन्स एंड स्पिनिंग डायल्स एज अ चाइल्ड माइट डू विद अ न्यू टॉय. व्हाट इफ एनालिसिस के एक बच्चे व्हाट इफ एनालिसिस को भी सपोर्ट करती सिमुलेशन. बच्चे को खिलौना दे दिया उसने पंगे ले जाने फोन दे दो उसने नंबर मिलाई जाने बच्चा. सिमुलेशन कैन बी यूज्ड इन सिमिलर मैनर. इसी मैनर में कहता सिमुलेशन यूज करना है कि आपने पंगे लेने कि आप अगर ये करोगे तो क्या होगा आप वो करोगे क्या होगा अगर ये हो तो इसकी आउटकम क्या होगी ऐसे तो क्या होगा क्या ये हो सकता है क्यों नहीं हो सकता इस तरह के क्वेश्चन आंसर. विद ट्रेनिंग एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस व्हाट इफ एनालिसिस कैन बी कंसीडर्ड अ फॉर्म ऑफ इनसाइट गैदरिंग फॉर द यूजर. ट्रेनिंग और स्टैटिस्टिकल के लिए व्हाट इफ एनालिसिस जो है वो बहुत जरूरी है यूजर की लर्निंग पर्सपेक्टिव के लिए. टीचिंग और एजुकेशन को भी एनहांस कर सकते हो.
यार इन चंक्स से बना रहा है इनके तो इससे खाली वीडियो दे पूरी 1.5 घंटे देना अपलोड कर दी क्या अगर टोन लोड नहीं ना मेरे होनी नेट स्लो है यार मेरा अच्छा एक्यू आगे है जी अनसर्टेनिटी एंड इट्स इफेक्ट अनसर्टेनिटी की है गैर यकीनी की ताकत अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट इन मोस्ट एवरीथिंग वी थिंक अबाउट एंड डू जितनी भी चीजों को हम सोचते हैं या करते हैं अनसर्टेनिटी उसमें लाजमी होती है ठीक हो गया अनसर्टेनिटी बेसिकली वो है जो चीज हम डेवलप करते हैं ना उसमें अभी इतनी कोई क्या कहते हैं उसे पॉइंट वो और ज्यादा इंप्रूव है तो सी के समय मैं गूगल कीता है ए ऑडियो सर से फर्दर इंप्रूवमेंट हो सकती हो आपके मॉडल में अनसर्टेनिटी ये हां उसमें लूप होल्स हो अच्छा इन एवरीडे लाइफ देयर आर एलिमेंट्स ऑफ अनसर्टेनिटी दैट ड्राइव आवर बिहेवियर जैसे कि अनरिसीव्ड फोन कॉल्स हम फोन कॉल रिसीव नहीं करते तो हमारा बिहेवियर चेंज होता है कि यार पता नहीं किसका फोन है या पता नहीं कोई इमरजेंसी बात ही ना हो इनसफिशिएंट डिटेल अबाउट अनदर एक्सपेक्टेशंस किसी के एक्सपेक्टेशन के बारे में डिटेल ही थोड़ी है एवं अपने लो तुक्के लाई जाने अनसर्टेनिटी है ना गैर यकीनी की ताकत है ये कड़ा रिकॉर्ड हो गया व्हेन द बस विल अराइव आगे वो कह रहा है अनसर्टेनिटी इज सिमिलरली परवेसिव इन मॉडलिंग एंड सिमुलेशन अली पूछ रहा है क्या प्लान है व्हेन अ पर्टिकुलर फिजिकल और लॉजिकल फिनोमेनन ना कहीं क्वेश्चन ना कहीं अप्लाई ना करें व्हेन अ पर्टिकुलर टिपिकल लॉजिकल फिनोमेनन मॉडल जब भी हम कोई फिजिकल या एक्सपेरिमेंटल अपना फिनोमेना जो भी है उसको हम मॉडलिंग करते हैं तो वो कहता है देयर आर टिपिकली मेनी एट्रीब्यूट एसोसिएटेड विद द मॉडल दैट जस्ट आर नॉट अंडरस्टूड क्लियर तो बहुत से ऐसे पैरामीटर्स होते हैं टॉपिक्स होते हैं चीजें होती हैं जिनका हमें पूरी तरह अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती या वो बहुत डिफरेंट मुश्किल होता है उन्हें कंप्रीहेंसिव वे में अंडरस्टैंड करना दो ये चीजें हैं किसी भी चीज को मॉडल करने के लिए जब भी आप मॉडल करते हैं दो चीजें लाजमी होती हैं या तो उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको कम होगी या वो आपको समझने में मुश्किल हो जाएगा ठीक है अब अनसर्टेनिटी की दो टाइप्स है एक है एपिस्टेमिक और एक है एलिएटरी एपिस्टेमिक क्या है जी रफ एक स्ट्रक्चर होता है स्ट्रक्चर में अनसर्टेनिटी स्ट्रक्चर होती है और एलिएटरी रैंडम वेरिएशन होती हैं जो हम पीछे पढ़ के स्टोकेस्टिक प्रोसेस फिर जेडे भूत गल आई तो कर ला होया की मेरी मर्जी मेरा अच्छा कड़ी आ रही है हसू ना कड़ी आ रही है हसू ना आप हसू है कड़ी गल हसू तो नहीं कहा मैंने और तो नहीं क्या कहा पीजी का नाम अख्तर नहीं नहीं ओ नुसरत नुसरत हां अच्छा कड़ी कड़ी कैंसिल मैं हूं तो गेटो और तो गेटो इतना एंड पेज दिया कोसी ले लवांगे चॉकलेट खानी है तेरा पेट खराब बंदा नु कीड़े लग गए मैं क्या खाऊं लिखा नहीं तेरे डॉक्टर ने तो नहीं मना किया मैंने कहा था नहीं तो तीन दिन से हॉस्टल में किस तरह बर्दाश्त कर रहे हो तीन दिन से और कर लिया खून छिल छिल के चल उन साहब मैं इसको कहीं जा रही हूं तब मैंने इसको रोका मैंने 2 मिनट इधर पढ़ने लगी ए तेरा ख्याल है इतना पिंपल मुक जाएंगे इधर निशान पा जाने मैं इसको बहुत दफा रोका तो फिर पवा बेसन लाओ ओ पवा मैदा ला लो पवा माया ला लो ए नहीं लचना ए नहीं निकल आया ऐसे कर देखा इसका स्टेटस देखा ओ रहा मुल्तानी मिट्टी लगी थी यार वो तो समझ लगी इसको वो कहां से मिल गया अच्छा क्या बात है यार बढ़िया अच्छा जी एक क्यों साहब आ गया हूं यार एपिस्टेमिक किथे है इस तरह अनसर्टेन है आगे पहले हमारे पास आ गया एलिएटरी अनसर्टेनिटी रैंडम वेरिएशन ठीक हो गया रैंडम वेरिएशन There are certain phenomena and events in any environment where we have to consider them as random. बहुत से कहते हैं ऐसे phenomena जहाँ पे हमें uncertainty जो है randomly हमें वो से consider करना पड़ता है because we simply have no better way of characterizing them. मेरे पास कोई किसको मुझे सीधा ये लो फिर okay random variations हो सकती हैं सीबा हसीब दिखाया रहा हसीब जी अच्छा Because we simply have no better way of characterizing them. कि हम उन variations को characterize class grouping नहीं हम उनकी कर सकते ना अलग अलग structure नहीं हम बना सकते उनकी variation इसकी example क्या है वो कहता है coin flipping है उसमें उसके हम क्या नहीं बना सकते grouping classification नहीं कर सकते characterize नहीं कर सकते ना example है इसकी coin coin को तू flip करता है head आना या tail आना ये random काम है ये random variation है अनसर्टेनिटी इस पे क्या हो सकती है वही
एयर करंट से के हवा किस तरफ है उसके मटेरियल उसमें एक तरफ ज्यादा तो नहीं लगा हुआ ठीक हो गया ये इरेगुलर इन द सर्विस ऑफ लैंडिंग कॉइन स्ट्राइक एंड फोर्सेस द कॉइन फ्लिपर प्लेस ऑन द ये सारी अनसर्टेनिटीज है ऑल वुड जनरली बी ट्रीटेड एज रैंडम ठीक हो गया ये रैंडम अनसर्टेनिटी जिसमें रैंडम वेरिएशन हो सच एलिएटरी अनसर्टेनिटी वुड आइदर बी सिमुलेटेड यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम है ना तो हम इनको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू इसका सिमुलेशन इसकी तैयार कर सकते हैं डैट मेजरमेंट और एक्सपर्ट ओपिनियन सजेस्ट और दे वुड बी इग्नोर्ड कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लगा सकते हैं जो कि कोई एक्सपर्ट हमें ना सजेस्ट करे या फिर हम उन्हें इग्नोर ही कर दें जैसे हम करते हैं अनकंट्रोलेबल चेंजेस जो सिमुलेशन में आती हैं कि हम उन्हें सपोज कर लेते हैं कि ये होनी नहीं इग्नोर कर देते कि हम कह दें कि हम कह दें कि भाई उसकी जो इरेगुलरिटीज होनी नहीं है किसी भी कॉइन पे ठीक है इस तरह हम ना कर लेते वेदर इग्नोर्ड अगर तो हम इग्नोर कर दें और सिमुलेटेड यूजिंग अ प्रोबेबिलिस्टिक प्रोसेस स्टोकेस्टिक प्रोसेस वही के एक सिस्टम डिफरेंट इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट देगा दे रिप्रेजेंट एलिएटरी अनसर्टेनिटी वेदर इग्नोर्ड अगर तो वो इग्नोर हो जाए या सिमुलेट करें हम उन्हें यूजिंग एक प्रोबेबिलिटी के थ्रू प्रोबेबिलिटी प्रोसेस प्रोबेबिलिटी अप्रोच के थ्रू करें तो उधर जो अनसर्टेनिटी आएगी ना उस टाइप के जो सिमुलेटर होंगे वो एलिएटरी अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि उसमें रैंडम वेरिएशन आएंगे उसके बाद आ गया एपिस्टेमिक एपिस्टेमिक होता है स्ट्रक्चर्ड इफ समबडी हैंडेड यू अ कॉइन एंड सेड हियर सिमुलेट द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ 1000 फ्लिप्स ऑफ दिस कॉइन यू वुड बी फेस्ड विद अ डिग्री ऑफ एपिस्टेमिक अनसर्टेनिटी समझ लगी इसकी नहीं उसमें क्या था कॉइन फ्लिप करनी है रैंडम है हेड आएगा या टेल आएगा इसमें क्या है उसने कहा आपको एक बंदे ने कॉइन दे दी है उसने कहा जी इसकी 1000 वो लेके आओ फ्लिप्स 1000 फ्लिप्स करो इसकी पॉसिबल आउटकम्स लाओ क्या होगी अब आगे देख इफ यू कुड स्टडी मेनी फ्लिप्स ऑफ द कॉइन योर माइट बी एबल टू ट्रांसफॉर्म योर अनसर्टेनिटी टू एलिएटरी अनसर्टेनिटी समझ रहे बात को वो कहता है कि एपिस्टेमिक को एलिएटरी भी अनसर्टेनिटी बना सकते हो इस एग्जांपल के लिए कॉइन है ना रैंडम भी हो सकता है by gaining a degree of insight and confidence about the coin's behavior ke degree of insight learning aur confidence aapko hona chahiye uske bare mein jo uski output aayegi at least enough to represent it using a stochastic process itna confidence aapko at least hona chahiye ki aap usko stochastic process se bhi aap usko represent kar sako to epistemic ko aapke paas itni ek wo aa jaye tries itna data ho jaye aap usko random usme se fir uthana start kar sakte hain But sometimes such measurements are difficult or impossible to acquire. उत्तर है। पास क्यों कटा रही? हेलो। हेलो। यार है ये तो इतने यूनिवर्सिटी है मैं। बाकी यार फोन आया थी मेनू मैं उन्होंने कहा किंडक लग गया ना मेनू। हाँ हाँ मेरे हल मैं इतने पढ़ा नहीं दिया एक हनी मेरे नाल ही है तू कितने चलो ठीक है ओके स्टोकिस्टिक वही था वो जो दो मिलते हैं और नहीं वो सिनर्जिस्टिक है स्टोकिस्टिक क्या था पता रैंडम वेरिएशन थी एक प्रोसेस डिफरेंट इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट बिहेवियर डिफरेंट नेचर है उसकी एक इधर आ अब देख हाँ तमीज से बात किया करो वो मेरा भाई है और देख मुझे कहा है ना आई लव यार थैंक यू यार थैंक यू यार समय लगी इसकी एपिस्टेमिक की नहीं हाँ लगी अब वो कहता है इन दैट केस यू मस्ट डील विद योर एपिस्टेमिक अनसर्टेनिटी बाय मेकिंग एजुकेटेड गेसेस हाँ एक चीज मैं इसमें भूल रहा था जो एलिएटरी है ना इसमें हम एजुकेटेड गेसेस नहीं लगा सकते एजुकेटेड गेसेस क्या है भला सारा एजुकेटेड गेसेस की है जो आप बहुत अच्छा गेस मार एक्यूरेट तुक्का इतना भी पता है मैं भूल गया सी ना यानी कि मैनू एक्सप्लेन करना नहीं सी आ रहा एजुकेटेड
ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਗੈਸਿਸ ਉਹ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁੱਕਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸੈਂਟ ਚਾਂਸ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁੱਕਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਜੂਕੇਟਿਡ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁੱਕਾ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਐਲੀਏਟਰੀ ਰੈਂਡਮ ਹੁੰਦਾ, ਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਏਟਰੀ ਰੈਂਡਮ ਹੁੰਦਾ, ਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਲਾਓ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਚਾਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਘੱਟ ਆ। ਐਪੀਸਟੈਮਿਕ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰਡ ਉਸਮੇ ਆਪਕਾ ਰੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਮੇਂ ਹੀ ਆਊਟਪੁਟ ਆਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਉਸਮੇ ਆਪ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਲਗਾ ਸਕਤੇ ਹੋ। ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਕੈਸੇ? ਕੁਆਇਨ ਫਲਿਪ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਹੇਅਰ ਸਿਮੂਲੇਟ ਦਾ ਪੋਸੀਬਲ ਆਊਟਕਮਸ ਆਫ 1000 ਫਲਿਪਸ, 1000 ਫਲਿਪਸ ਕੀ ਆਪਨੇ ਪੋਸੀਬਲ ਆਊਟਕਮ ਲਾਨੀ ਹੈ, 1000 ਦਫਾ ਉਸੇ ਕੁਆਇਨ ਕੋ ਛਾਲ ਲੈ। ਅਗਰ ਤੋ ਯੇ ਰੈਂਡਮ ਮੇਂ ਹੋਤਾ, ਰੈਂਡਮ ਮੇਂ ਵੋ ਕਿਆ ਕਹਤਾ ਕਿ ਬਤਾਓ ਕਿਤਨੀ ਦਫਾ ਹੈਡ ਹੈਗਾ ਟੇਲ, ਵੋ ਰੈਂਡਮ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈਡ ਆ ਸਕਤਾ ਟੇਲ। ਇਸਮੇ ਉਸਨੇ ਕਹਾ 1000 ਦਫਾ ਚਾਲੋ, ਤੋ ਇਸਮੇ ਆਪਕਾ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਗੈਸ ਕਿਆ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਕਿ 1000 ਮੇਂ ਸੇ 600 ਦਫਾ ਹੈਡ ਆਏਗਾ, 400 ਦਫਾ ਵੋ ਆਏਗਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਬਾਤ ਕੀ? ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾਓ ਉੱਥੇ ਕੈਫੇ ਬੈਗ ਪਹੁੰਚੋ ਨਾ ਮਾਏ, ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਨੀ ਯਾਰ। ਐਡ ਬੋਲ ਕੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਜੋ ਤੂੰ ਵਰਡ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੇ ਕੀ ਲਿਖਾ ਥਾ? ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂ। ਅਬ ਵੋ ਇਸੀ ਕੇ ਲੀਏ ਕਹਿ ਰਹਾ ਕਿ ਹਮ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਗੈਸ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਤੇ ਹੈਂ, ਹਾਉ ਬੈਸਟ ਟੂ ਸਿਮੂਲੇਟ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਫ ਦਾ ਕੋਇਨ ਯੂ ਵਰ ਹੈਂਡਡ, ਕਿ ਜੋ ਕੋਇਨ ਆਪਕੋ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੋ ਕਿਤਨਾ ਬੈਸਟ ਆਪ ਸਿਮੂਲੇਟ ਉਸੇ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੋ, ਯੇ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਗੈਸ ਆਪ ਲਗਾ ਸਕਤੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਐਲੀਏਟਰੀ ਮੇਂ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਤੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋਗੀ, ਐਲੀਏਟਰੀ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ ਕੈਨ ਅਕਰ ਵਿਦ ਐਨੀ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਕੇ ਸਾਥ ਐਲੀਏਟਰੀ ਆ ਸਕਤੀ ਹੈ ਰੈਂਡਮ, ਦੋਜ਼ ਯੂਜ਼ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਦੋਜ਼ ਯੂਜ਼ ਫਾਰ ਗੇਨਿੰਗ ਇਨਸਾਈਟ। ਕਿ ਐਲੀਏਟਰੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਪ ਕੀ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਕੇ ਲੀਏ ਆ ਸਕਤੀ ਹੈ, ਹਮਨੇ ਦੋ ਟਾਈਪ ਕੀ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਔਰ ਲਰਨਿੰਗ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ। ਐਲੀਏਟਰੀ ਦੋਨੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਆ ਸਕਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਰੈਂਡਮ ਜੋ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ ਹੈ। ਦ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਆਫ ਐਨੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਐਪੀਸਟੈਮਿਕ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੁਜੈਸਟ ਦੈਟ ਕਿ ਵੋ ਲਰਨਿੰਗ ਹੀ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਐਪੀਟੈਮਿਕ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸਿਰਫ ਲਰਨਿੰਗ ਮੇਂ ਆ ਸਕਤੀ ਹੈ। All of the questions associated with using a simulation for problem solving are based on the assumption that ke jitne bhi question humne problem solving mein karne uske liye assumptions hum lete hain wo ye teen assumption hai. The user believes the simulation accurate hogi, trusted tool hoga, that is no epist kyunki ye problem solving hai to isme epistemic nahi hogi, random nahi aa sakti, oh sorry structure nahi aa sakti, random aa sakti, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਫ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨਾਓ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਐਪੀਸਟੈਮਿਕ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ ਸੋ ਦੀ ਦੈਨ ਦੈਟ ਅਨਸਰ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਐਡਰੈਸ। ਅਗਰ ਵੋ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਕੋ ਪਤਾ ਨਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸਮੇ ਐਪੀਸਟੈਮਿਕ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ ਆ ਸਕਤੀ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰ, ਤੋ ਹਮ ਉਸੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈਂ। ਐਡਰੈਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਮ ਉਸਕੇ ਉਪਰ ਅਨੈਲਿਸਿਸ, ਵਟ ਇਫ ਅਨੈਲਿਸਿਸ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਇਸਕਾ ਐਡਰੈਸ ਕਾ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਪਤਾ। ਹੋ ਗਿਆ ਯੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹਮ ਉਸੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈਂ। ਐਡਰੈਸ ਮੇਂ ਅਬ ਆਤਾ ਹੈ ਦੋ ਚੀਜ਼ੇ ਕਿ ਹਮ ਉਸੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈਂ। ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਕੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੈਂ, ਕਿਆ ਤੋ ਹਮ ਉਸੇ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦੇ, ਅਗਰ ਤੋ ਵੋ ਆ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਮੇਂ ਅਗਰ ਐਪੀਸਟੈਮਿਕ ਆ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਕੋ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨੇ ਕੇ। ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਆ ਹੈ, ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦੋ ਜਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਰਿਸਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ ਰਿਸਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੋ, ਜਾਂ ਜੋ ਰਿਸਕ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਓ। ਐਕਸੈਪਟ ਕੈਸੇ ਕਰਨਗੇ ਹਮ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਬ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ। ਕੈਨ ਇਨਵੋਲਵ ਆ ਰੇਂਜ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ, ਕਿ ਹਮ ਰੇਂਜ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇਸ ਮੇਂ ਇਨਵੋਲਵ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਹਮ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈਂ। ਗੈਦਰਿੰਗ ਇਨਸਾਈਟ ਇਨਟੂ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਰਸ ਆਫ ਡਾਟਾ, ਕਿ ਜੋ ਮਰੀ ਐਪੀਸਟੈਮਿਕ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਗੈਦਰਿੰਗ ਇਨਸਾਈਟ, ਕਿ ਹਮ ਉਸੇ ਲਰਨ ਕਰੇ ਡੀਪਲੀ, ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ, ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਕੋ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਰਸ ਆਫ ਡਾਟਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਕੇ ਥਰੂ ਹੀ ਹਮ ਉਸੇ ਡੀਪਲੀ ਲਰਨ ਕਰੇ, ਔਰ ਉਸਮੇ ਸੇ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਟਾ, ਜੋ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਟਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਐਜ਼ ਅ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹਮ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਟੂ ਗੈਦਰ ਡਾਟਾ ਐਂਡ ਇਨਸਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਡਾਟਾ ਕੋ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰੇ, ਔਰ ਇੰਗੇਜ ਇਨ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਡੈਟ ਮੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਇਨਸਾਈਟ ਔਰ ਐਨੀ ਮਿਕਸ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਪ ਕੇ ਹਮ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈਂ। ਦੇਖਣਾ, ਹਮਨੇ ਦੇਖਾ ਵੋ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ ਆਈ, ਲਰਨ ਕੀਆ, ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ, ਹਮ ਵੋ ਸੋਰਸ ਉਸਕਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈਂ, ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਸਕੋ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੇ ਕੇ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਅਡਾਪਟਿਡ ਟੂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨਿਊਲੀ ਐਕਵਾਇਰ ਇਨਸਾਈਟ ਇਨਟੂ ਐਂਡ ਵਟ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਡਨ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਦਾ ਐਪੀਸਟੈਮਿਕ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ। ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਅਡਾਪਟਿਡ
to reflect the user's newly acquired insight into what needs to be done. ठीक है, वो कहता है जी कि इस प्रोसेस के थ्रू, जो सिमुलेशन के थ्रू हम नई लर्निंग करेंगे ना, उसकी मदद के साथ हम वो अनसर्टेनिटी को रिमूव कर लेंगे. वही बात है सिंपल. दूसरा क्या हमने कहा था, एक्सेप्टिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद द एपिस्टेमिक अनसर्टेनिटी इज एन अल्टरनेटिव. कि उस रिस्क को हम एक्सेप्ट कर लें. एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं, हम कहते हैं ऑन ओकेजन द यूजर मे सी नो पार्ट टू रिजोल्विंग द अनसर्टेनिटी. कि भाई रास्ता ही कोई नहीं अनसर्टेनिटी को रिजोल्व करने का, एक्सेप्ट कर लो भाई, मार्जिन में रख लो. या और इट्स रेजोल्यूशन में रिक्वायर टू हाई एन इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम और अदर रिसोर्सेज. Also the user may have sufficient understanding of the phenomena of interest. वो जिस phenomena पे simulator use कर रहा है, जो भी उसका interesting area है, उसके पास उसका बेहतरीन, यानी कि उसके पास उसकी understanding है to conclude that the epistemic uncertainty is not significant. के user के पास ये भी हो सकता है कि जो uncertainty आ रही है वो important नहीं है, क्योंकि उसके पास knowledge ही इतनी है उस phenomena का जिसका उसने, जिसके ऊपर वो working कर रहा है, simulator use कर रहा है. ठीक हो गया. ये भाई जी दो तरीके हैं, एक्सेप्ट कर लो यानी कि रिजल्ट को रिजेक्ट. हाँ नहीं, हमें नहीं कुछ कह रहे, आपस में बातें कर रहे हैं. अच्छा ओके हो गया. क्यों दोस टाइम व्हेन अ यूजर डज इलेक्ट टू यूज द सिमुलेशन टू गैदर इनसाइट. कि जब वो सिमुलेटर को यूज कर लेता है गैदर इनसाइट के लिए, इलेक्ट कर लेता है अनसर्टेनिटी के पढ़ने के लिए, द प्रोसेस लीडिंग टू एन एक्सेप्टेबल वर्जन ऑफ द सिमुलेशन मे कंज्यूम अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम. सारी बात है, टाइम तो लगेगा ही, नॉट अनकॉमनली मंथ्स और इवन ईयर्स एंड समटाइम्स एन एंटायर प्रोफेशनल कैरियर. बस ये तो एम ही चौसी थी. यूजिंग सिमुलेशन टू गैदर टू गेनिंग इनसाइट. अब पहले हम, अभी तक हम क्या करते आए हैं, इनसाइट प्रॉब्लम सॉल्विंग करते आए हैं, फिर हम अनसर्टेनिटी पे आ गए, अब इनसाइट पे आ गए, गेनिंग इनसाइट लर्निंग. वो कहता है गेनिंग इनसाइट इज फॉर एक्वायरिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट. के लर्निंग इनसाइट क्या है, कि अपने फिनोमेना ऑफ इंसर्ट इंटरेस्ट, फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट के लिए अंडरस्टैंडिंग एक्वायर कर सको आप, और ऑफ हाउ टू सिमुलेट द फिनोमेना. या आपको पता, इससे पता लग जाए कि आप अपने फिनोमेना को किस तरह सिमुलेट करोगे. गेनिंग इनसाइट इज द टास्क ऑफ सिमुलेशन डिजाइनर. सिमुलेशन डिजाइनर जो है उसका काम है गेनिंग इनसाइट, के वो इस फिनोमेना के लिए वो लर्न करे पहले, फिर उसको सिमुलेट करे. ठीक हो गया. बस दिमाग को मंगया इतने आगे से मेरा अपना उतो है अनसर्टेनिटी वाले दी ऑडियो में दोबारा सुननी पड़नी है टाइप्स दी. जरा ये कर ले. हाँ ये वाला तो आसान है. चल हम अपना सिमुलेशन और मॉडलिंग का एक पार्ट कर चुके हैं दो लेक्चर में. अब हम तीसरे पार्ट पे आ गए हैं, वो है थ्योरेटिकल अंडरपिनिंग्स. अंडरपिनिंग होता है फाउंडेशन जी, थ्योरेटिकल बेस, यानी कि हम जितना पढ़ेंगे थ्योरी बेस ही पढ़ेंगे. ठीक है. अभी भी थ्योरी, पहले दो में भी थ्योरी पढ़ी है, पता नहीं क्या सीन है इसके पीछे. सबसे पहले है जी सिमुलेशन क्या है. सिमुलेशन की कितनी डेफिनेशनें हो गई हैं हर लेक्चर में, इधर ये सब